वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी क्रेजी रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना एंड 127 के का हमारा गोल है तो सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले जो GTA है उन्होंने एक पोस्ट डाला जहाँ पे उन्होंने अपना BGS लाइनअप बताया, जहाँ पे हमें नियो भी देखने को मिले एंड वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद बात करें हम सैलरी के बारे में, तो हमारे को एक वीडियो देखने को मिली थी गुरु की, जहाँ पे वो सभी प्लेयर्स से उनकी हाइएस्ट इनकम पूछ रहे थे एक मंथ की, जहाँ पे जोनाथन एंड जी गॉड ने जो रिवील किया उससे आप लोग शॉक होने वाले हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। एक महीने में हाईएस्ट अर्निंग अभी तक, तुम लोग बताओ। चल हम गेस मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से तीन फॉर्च्यूनर एक मंथ का हाईएस्ट तीन फॉर्च्यूनर। एक बार ऐसा बोल दे कि हाँ गुरु तू सच बोल रहा है यार, तू सही बोल रहा है, मुझे लग रहा है सच है ये। आज तक का हाईएस्ट किसी एक महीने में कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ तुम्हें? इसके बाद जो सोमराज है उनसे काफी लोग बोल रहे थे कि हमारे को जो जोनाथन है वो कभी एंटिटी में देखने को मिल सकते हैं, इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करा, वहाँ पे उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। एंटिटी जोनाथन होमकमिंग होगा क्या? आई डाउट। गॉड लाइक मोस्टली इसमें अच्छा ही खेलेगी BGS में। अरे BGS ख़त्म होने तो उसके बाद देखेंगे वो सब चेंजेस का अगर कुछ होगा तो। व्यूज़ ऑन ओवेस, ओवेस भाई ने तो भाई 52 पॉइंट्स निकाले। ओवेस भाई इज़ प्लेइंग वेरी नाइस विथ, मतलब वो इतना एक्सपीरियंस के साथ आता है और नया लाइनअप बना के वापस से ऊपर। बताइए कि जो गोल्डी भाई उन्होंने रिप्लाई किया था सोमराज को, तो इस चीज़ के ऊपर रिप्लाई बैक करते हुए दिखाई दिए सोमराज, उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। गोल्डी भाई ऐसा बोल दी कुछ बोलेंगे ही नहीं और बहुत कुछ बोल देता है, पर कोई ना, गोल्डी भाई मेरे को पता है कि बहुत अच्छे इंसान है और मेरे को उनका जर्नी के बारे में पता है। मतलब मेरा एक टीममेट था बोब डोप, वो मेरे को बता रहा था बहुत सारी चीज़ें कि कब वो दिल्ली गया था, कौन सा कोई लैन था, बहुत अच्छे से उसकी खातिरदारी की थी। मेरे को पता है फिर कि गोल्डी भाई बहुत अच्छे इंसान है, तो बिल्कुल। बाकी यार गोल्डी भाई क्या बच्चों के मैटर में पड़ रहे, ऐसे भी आपको मतलब ये पूरा बात तो पता नहीं था, तब भी आपने कुछ ना बोल के भी मेरे परवरिश, मेरे मेंटल स्टेट और क्या और जो भी के बारे में बोल दिया, ठीक है क्या कर सकता है। आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी और बहुत अच्छा कर रही है बस। और इंडिया में गेमिंग का सीन जो ऐसा पूरा गेमिंग कम्युनिटी प्राउड है, जो अभी नरेंद्र मोदी के साथ ठग भाई, पायल भाई, मॉटल भाई गए, तो बहुत अच्छा पूरे गेमिंग कम्युनिटी को लगा कि इतना अच्छा स्टेप हो रहा है, तो सब लोग प्राउड है। बाकी मैं क्या ही बोलूँ, कुछ बोलने तो है नहीं मेरे पास। एंड इसके बाद जो स्काउट है उनका भी हमारे को रिएक्शन देखने को मिला था सोमराज वर्सेस एस पावर पे, तो उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। फुटबॉल स्ट्रीम हो जाए, जरूर जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। सोमराज ऐसी स्टोरी ऑन एस पावर, भाई देखो मैं ये सब चीज़ों से परे जा चुका हूँ अभी। लोगों को जिसको जो बोलना है बोले, जो करना है करे, जब तक अपने पे बात नहीं आती है बोलने वाली चीज़ नहीं, अपने फैमिली पर बात नहीं आती है बोलने वाली चीज़ नहीं है। मैंने देखा नहीं स्टोरी, कुछ गलत होगा तो ऑब्वियसली मैं आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि हम उनमें से नहीं है जो चुप रह के शांत रह जाए और बोले कि भाई जो दुनिया में हो रहा होने दो, वैसा नहीं है। जो मेरे को गलत लगता है मैं बोलता हूँ, सब अपना ओपिनियन देते हैं तो हम भी जितनी ज़रूरत है उतनी ओपिनियन देंगे, जितनी ज़रूरत नहीं है जिसके अनवांटेड चीज़ें वो नहीं बोलेंगे, सिंपल है। इसके बाद हमारे को जो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है जितनी उनके फैंस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो काफ़ी लोग ये चीज़ सरदार जी की चैट में लिख रहे थे कि जो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स है उनकी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है जब हैंड कैम यूज़ नहीं होता है, जब हैंड कैम यूज़ होता है। तो इस चीज़ के ऊपर सरदार जी जो है उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने इस पर एग्जैक्टली क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। जी विदाउट हैंड कैम, जी विद हैंड कैम, अरे यार मवी बाजी के होते ये सब चीज़ नहीं होगी, डोंट वरी। इवन लास्ट में मवी ऑल्सो ट्राइड इज बेस्ट जब वो अकेला बचा था, बट ठीक होता कुछ खास नहीं हो पाया। One from G is not legit, not Mavi Paji, but someone who, बताओ।
भाई अगर तुम कह रहे हो कि ग्लोबल ईस्पोर्ट्स कोई लेजिट नहीं है, कौन नहीं है, बीस्ट नहीं है, बीस्ट 8-bit से खेल के आया हुआ, कितना तगड़ा प्लेयर है, फिर और 8-bit टाइम से वो मार रहा है, और बीस्ट को तो मैंने बकायदा खेलते देखा यार, ही इज एक्चुअली यू नो प्रोडिजी, इसको कह सकते यंग प्रोडिजी। फिर नेक्स्ट कौन है, निंजा बॉय है, निंजा बॉय को लैंड पे खेलता हुआ देख लिया तुमने, फिर कौन है, बीस्ट है, निंजा बॉय, स्लग है, स्लग तगड़ा प्लेयर है, स्लग का कुछ पता नहीं यार, स्लग भी बहुत प्यारा प्लेयर है यार, बढ़िया बंदा है वो भी, नॉर्थ है लेकिन बढ़िया बंदा भाई, स्लग कितना इंप्रूव हो गया, मतलब आउट आउटसाइड द गेम भी अगर तुम देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अच्छे हो गए हैं, मई भाई चलते रहेगा, ट्रेन हो गया पीआर ट्रेन जीन से। एंड इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है, जो नकुल है उन्होंने एक टाइटल डाला था, इससे काफी लोगों को लग रहा था कि वो गॉड लाइक को ट्रोल कर रहे हैं, तो इस चीज को उन्होंने क्लियर करा अपनी लाइव पे, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। हाँ दिखेगा वो पता नहीं है, उन्होंने इनडायरेक्टली कुछ लोगों की टाइटल से, अरे गाइस वो टाइटल जो मैंने T10 वाला डाला है वो ऐसे ही डाला है, मैंने 7 महीने पहले भी डाला हुआ है वो टाइटल, तो मतलब मैं किसी टीम को टारगेट नहीं कर रहा। तो गाइस सीन ऐसा है कि आप ना नकुल के ना यूट्यूब पे जाओ और YouTube पे जाके इसकी 7 महीने पहले या 3 महीने पहले की वीडियो के टाइटल्स देखो, इसको लोले को पता नहीं क्या शौक है कि अरे तो हम हर एक टाइटल में इसको वही चीज यूज करनी है, पुराने टाइटल्स देखो ब्लाइंड के टाइम से वही डालेगा, एक वर्ड उठेगा एक टाइटल डालेगा चलेगा, और काफी टाइटल तो इसने हटा भी दिए वही वर्ड।